तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे समरी, मतलब जो भी हम लोग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉलीस्पर्मी जो पढ़े हैं उसका एक इंटायर समरी क्या है उसको अभी हम लोग समराइज करेंगे। जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसी से क्या निकालेंगे, कॉन्सेप्ट को निकालेंगे और क्या करेंगे, समरी बनाएंगे, ठीक ना। तो देखो क्या होता है, देखो हेडिंग क्या है, समरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉलीस्पर्मी, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, पॉलीस्पर्मी में दो ही टाइप का पॉलीस्पर्मी पढ़े थे ना, एक क्या था स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, क्या था फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी ना, यही हम लोग दो पढ़े थे। तो जितना भी पढ़े उसी से कॉन्सेप्ट निकालते थे। वो क्या चीज, जैसे ही हम लोग बोलेंगे ये क्या हुआ था, फ्यूजन हुआ था क्या चीज का, या फिर हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो वैसे ही हम लोग बोलेंगे इमीडिएटली क्या स्टार्ट हो गया था, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। मतलब सोडियम का क्या हुआ था, इन्फ्लक्स हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ था। सोडियम का इन्फ्लक्स होने के कारण क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे जो एक का जो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था, मतलब चार्ज का जो डिफरेंस था, वो क्या हो गया था, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव हो गया था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हुआ था, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ही हम लोग बोलेंगे फ्यूजन हुआ न्यूक्लियस का, तब हम लोग बोलेंगे कौन सा एंजाइम एक्टिव हुआ था, टायरोसिन काइनेज एक्टिव हुआ था। ये टायरोसिन काइनेज और एक एंजाइम को एक्टिव किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोलाइपेज सी, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। फॉस्फोलाइपेज सी क्या क्या था, एक लिपिड का जो ये था क्या बोलते हैं कंपाउंड था, जिसको हम लोगों ने बोला था PIP2, देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या था लास्ट वीडियो में। ये PIP2 कंपाउंड को क्या किया था, ये हम लोग बोलेंगे तोड़ दिया था दो न्यू कंपाउंड में, एक को हम लोगों ने क्या बोला था IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा को हम लोगों ने क्या बोला था डैग का मतलब डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये IP3 क्या किया था, हम लोग बोलेंगे ये IP3 क्या किया था, तो हम लोग बोलेंगे जो भी कैल्शियम जो स्टोर था एग के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो भी कैल्शियम स्टोर था उसको ये क्या किया था, रिलीज करवाया था, ये हम लोगों ने देखा था। और हम लोग बोलेंगे और यही कैल्शियम क्या करवाया था, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन को करवाया था। मतलब क्या करवाया था, ये हम लोग बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन में दो चीज आता है, मतलब ये क्या करवाया था, पहला फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स करवाया था, कैसे करके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बना। दूसरा हम लोग बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस ऑफ क्या चीज, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को कौन करवाया था, ये कैल्शियम आयन, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। तब हम लोग बोले थे कि क्या हुआ है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हुआ, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। और इसके साथ साथ हम लोग देखे थे ये जो डैग बना था, डैग जो मॉलिक्यूल डाइएसाइल ग्लिसरॉल बना था, वो फर्दर क्या किया था, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन काइनेज सी एंजाइम को एक्टिव किया था। प्रोटीन काइनेज सी क्या किया था, हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पंप को एक्टिव किया था, देख लीजिएगा आप लोग लास्ट वीडियो में। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पंप के कारण क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन एक से बाहर निकल रहा था, जिसके कारण जो पीएच था वो क्या हो गया था, एल्केलाइन हो गया था, मतलब पीएच क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था एक के साइटोप्लाज्म का। और ये इंक्रीज पीएच ये इंडिकेट करता है पहला कि फर्टिलाइजेशन क्या हो चुका है, अच्छे से हो चुका है। दूसरा कि पॉलीस्पर्मी से भी क्या हो चुका है, अच्छी तरह से प्रिवेंट हो चुका है। तीसरा कि हम लोग बोलेंगे कि क्लीवेज क्या हो गया, अब स्टार्ट होना है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ओवम एक्टिवेशन, ठीक है। तो यही था समरी किसका, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉलीस्पर्मी का, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ सी अर्जिन, और ये कंप्लीट खत्म हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक, तब तक के लिए थैंक यू।